लोग का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कॉर्न चाट। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं भुट्टे के चाट बनाने जा रही हूँ मैं। भुट्टे के चाट बनाने के लिए हमें भुट्टे को बॉईल करना होगा। आप चाहे तो अमेरिकन कॉर्न नेबलेट्स का भी यूज कर सकते हैं। तो भुट्टे के चाट बनाने के लिए देख लीजिए, लाल मिर्च पाउडर है और जीरा गोलकी है, नमक है सादी वाली काली वाली, और ये रहा चिली फ्लेक्स। तो ये सारी आइटम तो लगेगी हमें चाट बनाने के लिए यूज करने के लिए। और सब्जी में मेरे पास देखिए टमाटर है, मिर्च है, नींबू है, प्याज है, हरी मिर्च है, जी हाँ धनिया के पत्ते हैं, और भुट्टे तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ये रेसिपी के लिए। ये जो रेसिपी है न्यूट्रिशन से भरी हुई, इस तरीके से हमें भुट्टे को सारा निकाल लेना है। मैंने बॉईल कर लिया था और जो मसाला लिया है ना उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप चाहे तो यहाँ अमचूर पाउडर का, इमली की खटासपन, अगर आपको खट्टा पसंद है तो आप इमली का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है, मुझे तो बोलते ही मुँह में पानी आ रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और झट से बन जाता है और न्यूट्रिशन से बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। तो देखिए जो मैंने मसाला लिया था वो हमने मिला लिया है इसमें, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके हम इसमें जो मैंने प्याज लिया था, सब्जी लिया था, वो भी हम डाल लेंगे इसके अंदर। प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्च है, सबको डाल लीजिए और इसे हम फिर मिक्स कर लेंगे। ये जो चाट है बहुत ही देसी स्टाइल की है, और मैंने अमेरिकन कॉर्न की यूज़ नहीं की है, भुट्टा की यूज़ की है मैंने, सिंपल देसी तरीके से। ये देसी है तो देसी यूज़ करेंगे ना, तो इस तरीके से देखिए। और फिर मिक्स करने के बाद नींबू का रस भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले करता है खटास के लिए। और अगर आप नींबू यूज़ करें तो थोड़ा कम यूज़ करें आमचूर, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और ये देखिए कितना ही यम्मी चाट बन के तैयार होने वाला है। मुझे तो, मैं तो अभी से एक्साइटेड हूँ इसके लिए। तो ये अब ऑलमोस्ट बनने वाला ही है, तो इसे मिक्स कर लीजिए सब चीज़। और ये देखिए आ गया इसमें धनिया पत्ता, आप चाहे तो पुदीने का पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत तरीके से बनती है, आपको जो जो पसंद है ना खाना इसमें डाल के खाओ आराम से, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये ऑलमोस्ट बन के तैयार है, इट्स टू गुड, मतलब बहुत ही ज़्यादा यमी है। तो मैं ये रेसिपी तो मेरी बन के तैयार है। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और हाँ कमेंट करना ना भूले, बहुत मेहनत लगे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट जरूर करें और बताएं कि कैसी लगी है भुट्टे की चाट या फिर सैलेड, कॉर्न सैलेड, ठीक है? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जी, भुट्टे के चाट तो बनकर तैयार है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो देसी तरीके में क्या लेके आऊँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसे एंजॉय करिए घर में बना के, मैं भी इसे एंजॉय कर लेती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।